हापुड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया काला दिवस। आपको बता दें, क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। देश के हालात आंतरिक बाहरी खराब होते जा रहे थे, पड़ोसी देशों से संबंध खराब थे। वहीं देश में सन 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सितंबर 1970 में राज भत्ते व राज परिवारों को आरएसएस जनसंघ इसके खिलाफ हो गए। वहीं उन दिनों देश में पड़े अकाल, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1974 में चीन से युद्ध जिसमें भारत को हार का सामना, देश के आर्थिक हालातों से जूझ रहा था और देश का बड़ा हिस्सा सड़कों पर था। सदर विधायक विजयपाल लाठी ने कहा कि आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी ने राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। कार्यक्रम के दौरान तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बहरहाल, इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें हापुड़ हलचल।